पहला बुनियादी रिश्ता खामिंद और बीवी है और आखिरी रिश्ता भी खामिंद और बीवी है। लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरे में खामिंद से ज़्यादा उसके माँ बाप हक जितलाते हैं, खामिंद से ज़्यादा उसकी बहनें हक जितलाती हैं, खामिंद से ज़्यादा उसके रिश्तेदार हक जितलाते हैं और झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर बीवी से मुतनफ़र करते हैं और कहीं बीवी को खामिंद से मुतनफ़र करते हैं, आपस में लड़ाई लड़ा के फिर खुश होते हैं। मेरे नबी से पूछा जाए, या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा किस से प्यार है, तो आपने कहा आयशा से। अल्लाह, वो झींप के कहने के, नहीं मैं पूछ रहा हूँ लोगों में आपको किस से ज़्यादा प्यार है, तो आप कहते अबू बकर से, तो आपने फिर कहा अबू हा, मुझे आयशा के बाप से ज़्यादा प्यार है। फिर पहले आयशा का, तो फिर कहते अबू बकर, तो आपने कहा नहीं अबू हा, मुझे आयशा के बाप से सबसे ज़्यादा प्यार है। ये आपको मैसेज दिया है कि घर की ज़िंदगी कैसे होती है, कोई इश्क नहीं चढ़ा हुआ था, मैसेज है ना। हम आयशा छोटी उम्र की थी, उनको आटा गूंद के देते थे, आटा गूंद के देते थे, फिर जब उनको आटा गूंदना आ गया फिर छोड़ दिया, फिर उनको सामने बिठा कर लुकमे बना के खिलाते थे। फिर हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कोई गोश्त का टुकड़ा, वहाँ बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े पकाए जाते थे, तो कोई गोश्त का टुकड़ा उठाया और ऐसे दो चार जगह से नोचा और फिर रख दिया, सारा खाया नहीं जाता था, तो अल्लाह के नबी उसी को उठाते और हज़रत आयशा को दिखा कर जहाँ से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहाँ से यूँ काट के दिखाते थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, जहाँ होंठ लगाए वहाँ पे गिलास रख दिया, बड़े बड़े गिलास होते थे, तो हज़रत हमारे नबी उठाते थे, जहाँ आयशा के होंठ लगे होते थे वहाँ होंठ लगा के पानी पीते थे। ये आपको सिखाने के लिए है। अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाते, ये मेरे नबी की मुआशरत है, ये मेरे नबी की ज़िंदगी। घर में झाड़ू देते, अपने कपड़े खुद धोते, कोई चीज़ें बिखरी पड़ी होती तो बीवी को नहीं डांटते, खुद उठ के सेट करके रख देते, घर वालों के साथ मिलकर बर्तन धोते, सफाई करते, घर वालों के साथ मिलकर। ये मेरे नबी की एक खूबसूरत ज़िंदगी है भाइयों बहनों, हम भुला चुके हैं। बीवी के लिए खामिंद को सबसे बड़ा हकदार। बाज़े लड़कियां ऐसी नादानी करती हैं कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप की आंख को देख के चलती हैं। शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिंद का है, शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिंद का है। माँ बाप पीछे चले जाते हैं, बहन भाई पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये नादानियाँ भी